दोस्तों, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप लोग जो मुझे रिस्पांस दे रहे हैं मेरे वीडियोस के, वो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। रीजनल लैंग्वेज के जैसे हो सकता है कि मेरी जो लैंग्वेज हो प्योर हिंदी ना होकर कुछ और हो। हमारे लैंग्वेज का इफेक्ट आसपास के हमारे वातावरण से काफ़ी असर गिरता है, इसीलिए आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि मेरी जो हिंदी है वो प्योर हिंदी ना होकर कुछ और है। चलिए, कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि इडियम एंड फ्रेसेस जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, वो उसे आप कम मत समझिए, क्योंकि ये जो इडियम एंड फ्रेसेस है ये हमेशा आप लोगों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत काम में आने वाले हैं। और एक कोई भी एक एक जो मार्क्स होते हैं, भले ही वो एक मार्क क्यों ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी चेंज करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसा मत समझिए कि एक मार्क है तो चलिए हम इग्नोर कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था पोस्टल असिस्टेंट के लिए, उस वक्त ऐसा हुआ कि जो कहते हैं ना कि रिटन एग्जाम्स के बाद जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट कहते हैं उसे, क्योंकि मैं पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो वहाँ पर ऐसा हुआ दोनों एग्जाम्स देने के बाद जो मेरिट लिस्ट लगती है वो मेरिट लिस्ट के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरिट लिस्ट की कट ऑफ आकर 64 पर रुकी और मेरे जो मार्क्स थे वो 63 थे। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा बहुत और मेहनत करता और एक एक मार्क्स के लिए मैं अगर मेहनत करता और एक एक मार्क्स के लिए अगर मैं कोशिश करता और मेहनत करता तो शायद मेरा सिलेक्शन पोस्टल असिस्टेंट में हो जाता, ठीक है। तो यही मुझे कहना था कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जो इडियम एंड फ्रेजेस के जो पार्ट है इंग्लिश के सेक्शन में, चाहे वो UPSC हो, IAS या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या कोई और पब्लिक लेवल सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, KVS, DSSB या कोई और, आप लोगों के लिए ये इडियम एंड फ्रेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो बस इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।